देर रात घर में घुसकर चोरों ने की चोरी। घर में उपस्थित घर वालों को दी धमकी, अगर रजाई से बाहर निकले तो मार दी जाएगी गोली। महिलाओं के जेवर सहित नकदी लेकर हुए फरार। जिला चिकित्सा विभाग की फिर लापरवाही आई सामने। बच्चे ने खेल खेल में आंख में घुसा लिया था पेचकस। अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ने दिखाया नागपुर का रास्ता। जेल बगीचा स्थित दुर्गा मंदिर के तोड़ने के आदेश की अफवाह उड़ते ही महिलाओं ने संभाला मोर्चा। सभी महिलाओं ने कहा पहले हमारी जान लो, उसके बाद मंदिर को लगाना हाथ। मामले से प्रशासन ने झाड़ा पल्ला। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिला कलेक्टर ने किया बीएलओ को सम्मानित। उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर दी गई बधाई। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। आदर्श नगर क्षेत्र में देर रात तीन चोरों ने घर के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस बीच घर के मालिक घर पर ही मौजूद रहे, जिन्हें चोरों द्वारा रजाई ओढ़कर लेटे रहने की बात कही गई थी। नवल किशोर साहू के घर पर देर रात 3 बजे के बाद तीन चोरों ने अचानक धावा बोला, जिसके बाद नवल किशोर साहू सहित उनकी पत्नी और बेटी को रजाई ओढ़कर चुपचाप बिना आवाज के लेटे रहने की बात कहकर चोर अपने काम में जुट गए। अलमारी में मौजूद सभी सामान को खंगालने के बाद कुछ नकदी सहित सोने के जेवरात लेकर चोर रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद घर मालिक द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। वो कल रात की घटना है, 3 बजे के बाद की। वो तीन चोर घुसे थे घर में। क्या हुआ फिर उसके बाद? उन्होंने मेरा को पूरा रजाई से ओढ़ा दिया। बोले तुम आवाज़ नहीं करना, बोले चुपचाप पड़े रहो नहीं तो हम पिस्तौल से शूट कर देंगे। उधर मिसेज के कमरे में गए, बच्ची मिसेज बेडरूम में थी, तो वहाँ भी वो उठी तो उनको बोले कि रजाई ढाक दिया। बोले चुप रहो, बोले आवाज़ मत करो नहीं तो तुम्हारे पापा को मार देंगे। इतना किए, फिर वो अलमारी वगैरह खोले, 5 अलमारी, उसमें जो जो थोड़ा बहुत सामान जो था वो ले गए। कितना का सामान होगा लगभग? सामान ज़्यादा नहीं है, 1000-1500 नकद हैं और दो बच्ची के दो सोने के टॉप्स हैं और अंगूठी है दो। अब बच्चे घर में सामान था ही नहीं, कुछ ना नकद भी नहीं थी। मेरे पर्स का था, पर्स ले गए, ATM वगैरह ले गए, 400-500 पोस्ट में थे और बच्ची के उसमें 1500 बस। बाकी और कुछ नुकसान वगैरह नहीं किया। क्या नाम लिखते सर? नवल किशोर साहब। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के द्वारा खेल खेल में आंख में पेचकस को घुसा लिया गया, जिसके बाद परिजन उपचार के लिए परेशान होते रहे और वह अस्पताल पहुंचे, पर छिंदवाड़ा के डॉक्टरों ने बिना देखे ही उन्हें नागपुर जाने की सलाह दे डाली। विगत दिनों सांवरी क्षेत्र में बदनूर के रहने वाले एक 4 साल के बच्चे ने खेलते खेलते आंख में पेचकस डाल लिया था, जिसके बाद उसके माता पिता बच्चे की आंख में घुसे पेचकस को निकलवाने एवं उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों से मिन्नतों के बावजूद प्राथमिक उपचार देना तो दूर, डॉक्टरों ने उसे सीधे नागपुर रेफर कर दिया। आनन फानन में गरीब दंपत्ति दयनीय स्थिति में 4 साल के बच्चे को नागपुर लेकर गए, जहाँ उसका उपचार हुआ। अब बालक स्वस्थ है, लेकिन डॉक्टरों के इस तरह के रवैये की तस्वीरें जब सामने आती है तो सरकारी डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। बहरहाल इस मामले में चिकित्सकों की शिकायत लेकर परिवारजन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। निकालने के लिए बच्चे के आँख से टेक्सचर निकालने के लिए तो यहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिए कि यहाँ पर नहीं होगा और हमको नागपुर रेफर कर दिए। कौन से अस्पताल गए थे आप? हम वहाँ सरकारी हॉस्पिटल गए थे मेडिकल में। कैसे में टेस्ट चला गया था? खेलते खेलते में। फिर अस्पताल गए, क्या बोले डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है करके, ये आधी रास्ता में निकल गए जाते जाते। यहाँ से कहाँ ले जा रहे थे बच्चे को? नागपुर ले जा रहे थे। किसने कहा था नागपुर जाने की? डॉक्टर साहब ने लिख के दिए थे, रेफर कार्ड बना के दिए थे। रेफर कर दिए थे? हाँ, और एम्बुलेंस भी करके दिए थे। उन्होंने टेस्टर कैसे निकला? आधी रास्ते में निकल गया अपने आप ही। किसको शिकायत करने आए? नहीं, वापस नहीं आके इलाज करने ले गए थे इसको। अभी आप शिकायत करने आए, किससे शिकायत करने आए? कलेक्टर साहब। क्या शिकायत कर रहे हैं आप? कि बच्चे के आँख से टेस्टर ने निकाला, इसलिए। हाँ, बच्चे ने टेस्टर को घस लिए, यहाँ छिंदवाड़ा लेके आया, छिंदवाड़ा से रिपेयर कर दिया उन्होंने, छिंदवाड़ा नागपुर। आधी रास्ते में
टेस्टर निकल चुका है, यहाँ से मना कर दिए थे इन्हें तो। फिर आगे फिर वहाँ पे इलाज करवाया तो वहाँ नॉर्मल बताया डॉक्टर लोगों ने, छुट्टी की 2-3 दिन में दे दी उन्होंने। आप कलेक्टर साहब, बदनूर रहता हूँ मैं, सब बदनूर रहते हो। बच्चे के हाथ में टेस्टर कैसे कैसे लगा? वो खेलते खेलते में घुसा है। वहाँ चेकअप करवाया डॉक्टर के पास, लोकल डॉक्टर, बट लोकल डॉक्टर ने मना कर दिए, तो मैं सीधे छिंदवाड़ा लेके आया उनको। छिंदवाड़ा में उन्हें देखे, उन्होंने मना कर दिए कि यहाँ पे नहीं होगा, नागपुर ले आओ आप। फिर वो वहाँ पे ले गए, आज रास्ते तक गए हम, बोले ऑटोमेटिक निकल गया वो टेस्टर। उसके बाद में भी आप लोगों ने उसको नागपुर ले गए थे? हाँ, चेकअप के लिए नागपुर ले गए थे, यहाँ से 108 कर थी उससे गए थे। वापस आए तो कहाँ शिकायत करें? वापस आए तो कहीं शिकायत नहीं करें, अब यहीं पे आए अभी एक बार चेकअप करवा के। वापस आके शिकायत कलेक्टर, कलेक्टर साहब, कलेक्टर के लिए आया, ये सुनवाई यहाँ पे नहीं हुई, इसलिए डॉक्टर लड़के बच्चे की सुनवाई नहीं हुई, यहाँ की टेस्टर नहीं निकाले, इसलिए हम सुनवाई के लिए यहाँ पे आए हो। किसके पास? कलेक्टर साहब के पास। क्या नाम है आपका? अर्जुन पवार। सर, एक 3 साल का बच्चा था जिसकी आंखों में टेस्टर चला गया था, उनका आरोप ये है कि डॉक्टरों पर, डॉक्टरों ने यहाँ पर उपचार नहीं किया, क्या कहना है? ये बच्चा कुछ दिनों पहले छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में लाया गया था और उसने पेचकस अपनी आँख में खेलते खेलते फंसा लिया था, तो इस पेशेंट को यहाँ के डॉक्टरों ने रिफ़र कर दिया। जब हमने इसके बारे में वहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टरों से पूछा तो उनका जवाब ये था कि ये पेचकस कितना अंदर तक गया इसका हमें अंदाज़ा नहीं है, हो सकता है कि ये आई बॉल को चीरता हुआ बोन तक पहुँच गया हो, तो ये खींचने के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना करे और कोई ऐसी विषम स्थिति ना बने, इसकी संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने रेफर किया। हालांकि उन्होंने उसकी पूरी जांच की और सब कुछ देखा भी उन्होंने, परंतु किसी कॉम्प्लिकेशन के डर से उन्होंने उसको रेफर किया है। सर, इसका कोई रास्ता नहीं था, एक्सरे या सोनोग्राफी या ऐसा कुछ? अब ये तो वही बता पाएंगे, परंतु सिर्फ रेफर करने का कारण ये है कि किसी कॉम्प्लिकेशन की संभावनाओं के मद्देनज़र वो चाहते थे कि किसी ऐसी संस्था में ये इसका ट्रीटमेंट किया जाए जहाँ पर कि कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं तो उसका समुचित इलाज। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें, बने रहिए हमारे साथ। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर, हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैश बैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा, पूजा श्री ज्वेलर्स गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज, पैनासोनिक, ह्युंडई, इंटेक्स, वर्लपूल, फिलिप्स, सेलो, कैल्विनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जेल बगीचे में बने दुर्गा मंदिर को लेकर अचानक भ्रांति फैलने के चलते बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर परिसर के आसपास एकत्रित हो गई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें जानकारी मिली कि प्रशासन द्वारा मंदिर को तोड़ा जा रहा है। इस बात की खबर पाते ही बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर के आसपास एकत्रित हो गई और खुलकर इसका विरोध किया।
दशकों पुराने मंदिर के समर्थन में महिलाओं ने अपनी भावनाएं मीडिया के सामने व्यक्त की और उन्होंने प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया कि यह आस्था के साथ खिलवाड़ है। हालांकि मंदिर तोड़ने के आदेश की बात की पुष्टि प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। हमारी ये समस्या है कि यहाँ पे किसी ने बोला कि ये मंदिर को तोड़ना है और हम लोग यहाँ बहुत सालों से पूजा करते हैं, स्वागत करते हैं और बहुत 200 सालों से करते हैं, आज से नहीं करते, लेकिन मंदिर कैसे टूट जाएगा? हमारी मतलब भावनाएं जुड़ी नहीं है सभी पूरे गुलाबरा वालों की। कौन तोड़ रहा है? शासन ने भेजे हैं, आदेश हुआ है प्रशासन की तरफ से, किसने किया कंप्लेंट हमें नहीं मालूम, परंतु यहाँ पे आए हैं तोड़ने वाले, तो हम नहीं चाहते कि मंदिर टूटे। ने हम छोटे छोटे थे तब से देख रहे हैं, बहुत मेहनत की है मंदिर, यहाँ कम से कम 200 साल से दुर्गा जी बैठ रही है और इनकी यहाँ से भावनाएं जुड़ी हुई है और यहाँ से इनकी हर मान्यता मन्नतें पूरी होती है और हम नहीं चाहेंगे अगर ऐसा हुआ तो हम वहाँ पे हम अपनी जान दे देंगे, पर हम मंदिर तोड़ने नहीं देंगे। मंदिर टूट रहे हैं, बाउंड्री हटा रहे हैं, मंदिर तोड़ने का पता चला तभी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, और हम ये करने नहीं रहेंगे। पटाखे की दुकानें जो है वो 3-4 साल से ही लग रही है, हमारे भाइयों ने एरिया पटाखे की, हमारे भाइयों ने नहीं होना चाहिए, तो पटाखे की दुकानों को ही हटाया जाए, जहाँ जाती लगती थी वो पहले वहीं पर लगाई जाए पटाखे की दुकानें। क्यों यहाँ दूसरे लोगों को आप आहत कर रहे हो? पीछे कपड़े की दुकानें लगी हुई है उन्हीं कपड़े की, किस दिन कुछ घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, तो कौन इसके जिम्मेदार रहेगा? आपको किसने बोला कि यहाँ पे मंदिर तोड़ रहे? वो जेसीबी आई है, जेसीबी देख कर ही हम लोग सब लग रहे हैं। आज उक्त भूमि ये जेल बगीचा की जमीन है और उक्त भूमि यहाँ जेल बगीचा परिषद की जमीन है और अंग्रेजों के ज़माने से माताजी का आस्था का केंद्र रहा। पहले यहाँ पे जेल में जो भी कैदी जमा होते थे वो आके यहाँ कृषि कार्य करते थे, कृषि भूमि करते थे, उस समय से ये आस्था का केंद्र रहा। हम भी छोटे छोटे थे जब हम लोग भी देखा करते थे और हम लोग भी आस्था के केंद्र मंदिर में आते थे और अचानक शायद नगर निगम का अलमा यहाँ आया और किसी ने कुछ कहा कि फेंसिंग वगैरह हटाएंगे क्योंकि यहाँ पटाखों की दुकान लगती है, तो पटाखों की दुकान यहाँ विगत कई वर्षों से लग रही है और शासन प्रशासन पटाखों की दुकान की वो अनुमति देता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उक्त भूमि आस्था केंद्र है, पटाखे दुकान लगने से हमें कोई आपत्ति नहीं, लगाई है तो शासन ने परमिशन दिया तो लगाए बेशक, और शायद हो सकता है पटाखे दुकान। महिलाओं का ये कहना है कि मंदिर तोड़े जाने की खबर को लेकर हम नहीं, जेसीबी मशीन आई थी शायद किसी ने भ्रांति फैलाई होगी, मैं भी तत्काल स्थान पे पहुंचा और मैंने भी तत्कालिक अधिकारियों से चर्चा की, उन्हें समझाया तो वो बातें मानते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल द्वारा जारी निर्देश अनुसार उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ हितग्राहियों को दिलाने के लिए दिन रात एक करने वाले बीएलओ को आखिरकार मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल के द्वारा जारी निर्देश पर जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। जिले भर से 14 बीएलओ को जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने प्रशस्ति पत्र सौंपा। विगत दिवस आधार कार्ड सहित आयुष्मान कार्ड में बीएलओ के द्वारा लगभग 100% कार्य पूर्ण करने पर उनका सम्मान किया गया। निर्वाचन आयोग दिल्ली और निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के द्वारा एक विशेष अभियान आधार संग्रह के लिए यानी प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बीएलओ को डोर टू डोर सर्वे करके मतदाताओं के घर जाकर उनका जो यानी ईपिक कार्ड है उस कार्ड के साथ में उनका आधार का नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट करना था। इससे संबंधित आज कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है प्रशस्ति पत्र पूरे यानी जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं वो 7ों विधानसभा क्षेत्र से 2-2 बीएलओ को प्रमुख सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रशस्ति पत्र भेजे गए थे वो कलेक्टर महोदय के हस्ते आज वितरित किए। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर 30 नवंबर 2022 तक खुशियां मनाएं हमारे संग।
आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिंफनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको कलर डॉक्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड, गुलाबरा, गली नंबर 9। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल के द्वारा आज जिलेवार समस्त पुलिस अधीक्षक की वर्चुअल बैठक ली गई, जिसमें 8वीं बटालियन के कमांडरों के साथ बजट सहित अन्य कार्यों पर चर्चा हुई। साल भर में प्रयोग होने वाले सामग्री के साथ आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के बजट को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर के मुखिया के द्वारा वर्चुअल रूप से पूरे मध्य प्रदेश के पुलिस अधीक्षक सहित बटालियन के कमांडरों के साथ बैठक की गई और इसमें साल भर प्रयोग में आने वाले बजट के लिए आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई। पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल के द्वारा आयोजित वर्चुअल बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सहित बटालियन के अधिकारी जुड़े। 50,000 रुपए सारे जोनल मुख्यालय को हम एक साथ डाल दे रहे हैं। ग्वालियर में कुछ ज्यादा की जरूरत तो नहीं है, ग्वालियर तो ज्यादा सही जरूरत नहीं है। ग्वालियर में पब्लिक बटालियन करते हैं तो पर्याप्त पैसा है। पर्याप्त कैसे पैसा है तुम्हारे पास? सुनो, तुम ग्वालियर में तुम्हें शहीद दिवस के लिए ग्वालियर वाहिनी। जिला पंचायत सभागार कक्ष में मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं और योजनाओं के संचालन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला पंचायत CEO सहित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की उपस्थिति में जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी समय में जिला पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। सभी पदाधिकारियों ने एक सुर में सभी शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाने की बात कही। अभी मौके वाले जनपद के गांव में हैं, आप ये नहीं बता रहे कौन कौन से गांव में गए अपने कर्मचारी, हम लोग अपने कार्यकर्ता से पूछेंगे, हम वहाँ के सरपंच से पूछेंगे, आप बता दीजिए कि कौन कौन से गांव में। गांव का डिटेल लेके एक बार DDA साहब, इसका मतलब आपको नहीं पता है, मतलब आप तो नहीं गए, ये पूरे जिले की आवाज है। DDA साहब मेरी नहीं है, ये जिले की आवाज है। यहाँ हमारे विधायक जी लोग बैठे हैं तीनों, आप लोग बताओ। माननीय जनप्रतिनिधि ये होगा कि ऐसा अकेला कृषि विभाग लाने सर्वे, अकेला क्यों, कृषि विभाग बहुत बड़ा भाई, अकेला कैसे? ये सर्वे बताना चाहिए, अकेला मतलब कोई किसान तो बताता कि हमारे खेत में कोई पटवारी आया, कोई कोई किसान तो बताता हमें। ये कृषि विभाग का इतना फर्ज बनता है, जैसे ये डॉक्टर है, मैं स्वयं भी और संसद में बहुत ज्यादा नुकसान की स्थिति की स्टार्टिंग से ही, तो कलेक्टर महोदय ने ADM साहब के साथ टीम भी भेजी है, उसमें भी मैं स्वयं गया था। जहाँ नदी कोई अपने ग्राम सेवकों को निर्देश नहीं, वो
निरीक्षण साथ ही हुए हैं सर। आपने निरीक्षण करके कोई उसको सलाह दी क्या कि किसानों खबरों में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5999, आज खरीदें पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से, आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो परासिया रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली 32, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ, फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रत्येक सप्ताह को आयोजित होने वाली समय सीमा की बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा सभी विभागों की समीक्षा की गई। कलेक्टर द्वारा बैठक के माध्यम से सभी विभागों में चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विभागवार जानकारी हासिल कर उसकी समीक्षा हुई। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सभी विभाग प्रमुखों को अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिले इस दिशा में कार्य करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में जिला कलेक्टर के साथ ADM, SDM सहित सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। 298 बच्चों में 46 की प्रगति आई। आज करा लेंगे, आज होता नहीं है ना, इसकी अलग से समीक्षा करनी पड़ेगी बैठक में। आज मिलान हो जाए जिला पंचायत का, लेकिन फिर CM हेल्पलाइन भी तो करना है। पहले CM हेल्पलाइन प्रायोरिटी होगी, संभल वाला जो कर रहा है करने दीजिए, मिलान करेंगे तो। शहरी में 4 बचे हुए दिख रहे हैं, चांद में 7 बचे हुए दिख रहे हैं, बिछुआ शहरी में 32 दिख रहे हैं। बिछुआ के CMO आप आए लौट के कि नहीं आए, तब से लापता है सर, अभी नहीं आए। SDM को देखना पड़ेगा भाई, खुद देखो समझो। एक बार फिर मौसम ने आंख मिचोली का खेल शुरू किया। मौसम में बदलाव आया, जिसके बाद शहर में तेज बारिश देखने को मिली। अचानक हुई तेज बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। कुछ ही देर की बारिश ने आम जन को परेशानी में डाल दिया। हालांकि कुछ समय बाद बारिश के बाद एक बार फिर से धूप निकल आई, जिसमें मौसम उमस की चपेट में आ गया। बाजार में अपने कार्यों को करने निकले छिंदवाड़ावासी अचानक बदले मौसम को लेकर अचरज में नजर आए। हालांकि कुछ देर की बारिश के बाद मौसम पुराने रंग में नजर आने लगा, पर उमस से लोगों को परेशानी होती नजर आई। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। देर रात घर में घुसकर चोरों ने की चोरी। घर में उपस्थित घर वालों को दी धमकी, अगर रजाई से बाहर निकले तो मार दी जाएगी गोली। महिलाओं के जेवर सहित नकदी लेकर हुए फरार। जिला चिकित्सा विभाग की फिर लापरवाही आई सामने। बच्चे ने खेल खेल में आंख में घुसा लिया था पेचकस। अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ने दिखाया नागपुर का रास्ता। जेल बगीचा स्थित दुर्गा मंदिर के तोड़ने के आदेश की अफवाह उड़ते ही महिलाओं ने संभाला मोर्चा। सभी महिलाओं ने कहा पहले हमारी जान लो उसके बाद मंदिर को लगाना हाथ। मामले से प्रशासन ने झाड़ा पल्ला। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिला कलेक्टर ने किया बीएलओ को सम्मानित। उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर दी गई बधाई। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।